अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स शेरी योर फिटनेस ट्रेनर। तो गाइस आज हमारा 12वां दिन है होम वर्कआउट सेशन का और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ फुल डे डाइट प्लान वेट गेन का। मेरे पास काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि वेट गेन की डाइट बताई जाए, तो मैंने कहा आपका सबर खत्म कर दिया था, वेट गेन की डाइट मैं लेके आया हूँ आपके लिए। काफी टाइम से लगा हुआ था इस पे कि आपको पूरा प्योर देसी तरीके से बताऊं वेट गेन, प्योर नेचुरल तरीके से बताऊं वेट गेन किस तरह कर सकते हैं, और ऐसी चीजें बताऊं जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो आपके लिए, और कोई फैंसी चीजें ना हो या कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज ना हो। तो बिल्कुल देसी तरीके से मैंने डाइट प्लान तैयार किया आप लोग के लिए, वेट गेन वालों के लिए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज समझ आए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी जाके सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने पहले मील की तरफ। पहला मील हमारा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में आपने एक कप ओट्स लेने और एक कप आपने दूध लेना है, एक कप आपने पानी लेना है, ये आपका बन जाएगा दलिया। और इसके साथ आपने लेना है 3 फुल एग लेने विद योग और एक बनाना लेना है, ये आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट बन गया। ठीक है, ये पहला मील कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप सेकंड मील की तरफ चलते हैं। सेकंड मील हमारा है स्नैक्स है हमारे, इसमें हमने दही लिया है 200 ग्राम दही लिया है। कैलकुलेटर की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी मेजरमेंट करने के लिए, तो काइंडली मार्केट से 200-300 कैलकुलेटर ले लीजिएगा ताकि आपको ईजी रहे, ताकि आप इजिली हर एक चीज मेजर करके खाएं, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है वो। तो 200 ग्राम दही है हमारे इसमें सेकंड मील में, 200 ग्राम दही और 20 बादाम आपने लेने हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा, सेकंड मील कंप्लीट हो गया। थर्ड मील की तरफ चलते हैं, हमारा लंच है। लंच में भी आपको कैलकुलेटर की जरूरत बहुत पड़ेगी, तो हर एक चीज कैलकुलेट करके खानी पड़ेगी। लंच में हमने 200 ग्राम कुक राइस लिए, ये मेक श्योर ये करेगा कि जो आपने राइस लिए हैं वो पकने के बाद 200 ग्राम हो, ये नहीं कि आपने जो पहले ही आपने उसको मेजर कर लिया, वो पकने के बाद 200 ग्राम उसको मेजर करना है। उसके बाद 200 ग्राम आपने आलू लेने हैं, लेकिन स्वीट पोटैटो नहीं लेने, नॉर्मल जो आलू मिलते हैं वही ले लेने हैं। और 200 ग्राम आपने चिकन लेनी है, ब्रेस्ट हो तो बेस्ट है क्योंकि उसमें लो फैट होता है, ठीक है, बाकी थाई वगैरह में फैट ज़्यादा होता है। इसके साथ आपने एक कप जिस तरह ओट्स को आपने नाप के लिया था, एक कप आपने ग्रीन वेजीज लेनी है, जो कि आप खीरे ले सकते हैं, जिसमें ब्रोकली ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, जो आपके घर में अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपने एक सीजनेबल फ्रूट ले लेना है। तो ये आपका कंप्लीट लंच हो गया जो कि हम लंच में खाते हैं, कंप्लीट मील थर्ड मील है हमारा। फोर्थ मील की तरफ चलते हैं। फोर्थ मील हमारा स्नैक्स है। स्नैक्स में आपने 2 होल व्हीट ब्रेड लेनी है। अगर वो ना अफोर्ड कर सकें आप, तो आपने एक रोटी बना लेनी है, 7 इंच या 8 इंच की रोटी बना लेनी है। उसके बाद आपने उस पर 1 टीस्पून पीनट बटर लगा के उसको खा लेना है, ठीक है। ये आपका मील 4 कंप्लीट हो गया। मील 5 हमारा डिनर है। डिनर में हमने थोड़ी चीज़ें कम कर दी हैं, जिस तरह हमने 200 ग्राम चावल लिए थे इसमें लंच में, हमने डिनर में हमने इसको कम कर दिया, हमने 150 ग्राम चावल ले लिए, 100 ग्राम आलू लिए, लेकिन स्वीट पोटैटो नहीं लिए, पहले फिर बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल आलू लिए। इसके साथ हमने एक कप जिस तरह आपने मेजर किया था ग्रीन वेजीज को, जिस तरह आपने मेजर किया था ओट्स को, इसी तरह आपने एक कप दाल लेनी है। कोई सी भी दाल अवेलेबल हो, माश की हो, चने की हो, जो भी है, मसूर की, कोई सी भी दाल आपने ले लेनी है, उसको बना लेना है। और इसके साथ आपने लेना है एक कप खीरे लेने हैं। खीरे की तासीर ठंडी होती है ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ठंडा रहे, डाइजेशन सिस्टम में कोई मसला ना हो, क्योंकि इतना खाएंगे गर्मी में तो दाने निकल सकते हैं, इसलिए आप खीरे लेना लाजमी है आपके लिए, ताकि हर चीज़ प्रॉपर एक बैलेंस रहे, ठीक है, बॉडी। और इसके साथ आपने एक कप खीरे लेने, तो ये आपका बन गया कंप्लीट मील 5। मील नंबर 6 हमारा आपको 1 से 2 घंटे पहले ले लेना है, अपने सोने से 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले ले सकते हैं हम मील नंबर 6। लेकिन मील नंबर 6 में हमने 5 से 6 एग वाइट लेने, ये ध्यान में रखिएगा कि एग वाइट है वो योग के साथ नहीं है, सिर्फ एग वाइट है, ठीक है। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं ये एग हम अंडे नहीं खा सकते रात में सोने से पहले, तो आप कोई मसला नहीं, आप 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं। जो भी आप प्रोटीन यूज़ करते हैं वो आप 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि आपका मसल रिकवर हो, जब आप रात में सो रहे हो तब भी आपका मसल रिकवर हो रहे हो, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट डाइट वेट गेन वालों के लिए। इसमें कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप पानी लाजमी पीना है आपको, 10 से 12 ग्लास कम से कम आपको पीना है पूरे दिन के अंदर, 10 से 12 ग्लास आपको लाजमी पानी पीना है। 5 से 6 दिन वर्कआउट करना है लाजमी, ठीक है, तब जाके ये डाइट प्लान आपके असर करेगा और वेट गेन जल्द से जल्द होगा। और अगर आप इन ये सब चीज़ें टाइम पे करेंगे, सारी चीज़ें जिस तरह फॉलो करेंगे, तो इन 30 टू 60 डेज आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस हो जाएगा आपको बॉडी में, अपने वेट गेन में, अपने मसल्स में, और बढ़ना शुरू हो जाएंगे और ग्रो होना शुरू हो जाएंगे और वाइडर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द, अगर आप ये फॉलो करेंगे चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।